ठीक है, तुम लोगों से भी कुछ पूछने वाले हैं। हम लोगों ने भी पूरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में तीन प्रॉमिसरी नोट, तीसरा आज पढ़ने जा रहे, इससे पहले दो कौन कौन सा देखा था और प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन क्या है? थैंक यू सेक्शन फोर यस फाइव एंड सिक्स चेक, ठीक है ना, इसीलिए पूछा क्योंकि ये सिंपल है, जहां याद कर सकते हैं वहां याद रखिए। फोर फाइव सिक्स कॉन्टिन्यूस है, मैंने शुरू में भी बताया था, जहां भी लगातार रहेगा मैं वही दूंगी, क्योंकि बाकी जगह सब जगह रट पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री में इस भी याद रखना मुश्किल हुआ करता था, खैर वो भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, जितना हो पाता उतना तो कर ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं। तो सेक्शन सॉरी चेक जो है वो स्पेशल टाइप का, इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था कि इसको बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज भी अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है और चेक भी ऑर्डर टू पे है, ठीक है ना। चेक को भी वो इश्यूअर जो है वो बैंक को, यानी कि सिर्फ इसमें एक थर्ड पार्टी है, डायरेक्ट चेक नहीं आप ले सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट जो भी है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। संजली एंड रोल नंबर 11 ऋषभ राज, ठीक है ऑन कर लो। तो मैं अभी क्या बता रही थी आपको कि वो भी एक ऑर्डर है, इसमें एक तीसरा पार्टी है जिसको बीच में रह करके क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, यानी कि मुझे तुम्हें पैसा देना, बट इफ आई एम इशूइंग ए चेक तो बीच में देने वाला कोई और है जो बैंक है, उसको यहाँ पे ऑर्डर देता है ईश्वर कि आप जब भी प्रेजेंट किया जाए तो इस चेक का इनकैशमेंट या ट्रांसफर जो भी है वो आप कर दीजिए, राइट। सो इट इज ऑल्सो एन ऑर्डर, दैट्स वाई जो पेएबल ऑन डिमांड है, राइट। तो ऑल द बिल ऑफ एक्सचेंज आर पेएबल ऑन डिमांड, राइट। एक्सेप्टेंस के लिए सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को जाना होता है, वो भी सर्टेन टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को, लेकिन डिमांड के लिए, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट के लिए सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, राइट। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6A चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, किसके हम किसके नाम से उसको ड्रॉ करते हैं, किसी बैंकर के नाम से जिसमें हमारा ऑलरेडी अकाउंट, या बैंकर मतलब बैंक समझना, ठीक है ना। बैंकर एक्सप्रेस टू बी पेएबल ऑन डिमांड, यानी ऑन डिमांड जब भी आपको ये प्रेजेंट किया जाएगा आप इसको ऑनर करेंगे, आप इसका पेमेंट करेंगे। चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने कहा ये भी एक स्पेशल टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिकॉज इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू द बैंक टू पे सर्टन सम मेंशन इन इंस्ट्रूमेंट, यानी बैंक ये नहीं बोल सकता आपको कि भाई आज हमारे पास पैसा नहीं है कल आ जाना, राइट। अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है कल आ जाना, कोई कंडीशनल नहीं है, बैंक अपने तरफ से कोई कंडीशन नहीं लगा सकता है। वो जिस रूप में प्रेजेंट किया गया, अगर वो अकाउंट पे ही चेक है तो अकाउंट में, अगर वो बेयरर चेक है तो जो बेयरर है उसको लेकर के जो प्रेजेंट कर रहा है उसको, उसके हाथ में, और अगर वो ऑर्डर चेक है तो जिसके नाम से ऑर्डर किया हुआ उसके, उसको आपको इशू कर देना है, समझ में आया, यानी पेमेंट दे देना है। व्हाटएवर अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो फिक्स है, सर्टेन है, जो आपको पे करना है, यानी हर एक ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है, जितना भी देना है 5,000 और कुछ या लमसम नहीं रहेगा, फिक्स अमाउंट रहेगा, फिक्स पर्सन जिसको आपको ड्रॉ करना है वो भी सर्टेन रहेगा, अमाउंट भी सर्टेन रहेगा, फ्रॉम द ड्रॉअर्स अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉअर अकाउंट क्या हुआ, जैसे अगर मैं इशू कर रही हूं तो मुझे कॉलेज चेक देता है तो कॉलेज बिकम्स ड्रॉअर, राइट। उनके अकाउंट से डेबिट करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है उस अमाउंट को, राइट। तो फ्रॉम द ड्रॉअर्स अकाउंट टू द पर्सन टू होम इट इज इशूड और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन और टू द बेयरर। मैं बताती हूँ, बेयरर और ऑर्डर पे हम आएंगे ही टाइप्स ऑफ चेक में, फिर बेयरर चेक और ऑर्डर चेक में क्या डिफरेंस है। बेयरर चेक में कोई भी एक्स वाई जेड नाम हो सकता है, लेकिन अगर आपको अभी दिखाना पड़ेगा मुझे, चलिए ठीक है, प्रोजेक्टर भी काम कर रहा है। चेक आप लोगों ने अगर देखा होगा तो लिखा होता है पे बेयरर डैश,
ठीक है ना, और स्लैश ऑर्डर, ठीक है ना, ये दोनों लिखा होता है। अगर आपने ऑर्डर कट कर दिया यानी कि जो भी प्रेजेंट करेगा उसको बेरर चेक हो गया, जो प्रेजेंट करेगा उसको दिया। अगर आपने बेरर कट कर दिया है और नाम लिख दिया है तो आप सिर्फ उसी को पे कर सकते हैं जिसका नाम उस पर मेंशन है ऑर्डर चेक में। सुन लिया क्या? एक बार फिर से करके देखो। ऑर्डर चेक में क्या होता है कि जैसे मैंने तुम्हें इश्यू कर दिया और वो ऑर्डर चेक है, तो मैं क्या, ऑर्डर चेक में जैसे मेरे नाम से इश्यू किया गया कुछ, तो कोई भी तुम्हें जाके निकालोगे बेरर चेक में, पता नहीं चलेगा बैंक को कि तुम सोनी मैम हो या तुम खुशी हो या तुम मेगा हो, पता नहीं चलेगा ना, वो दे देंगे तुमको क्योंकि वो बेरर चेक है एंड दैट कंटेन्स द ऑर्डर कि आपके पास जो भी प्रेजेंट करता। नहीं हो रहा है क्या कि नहीं हो सकते? हो सकता है क्या? कोई बात नहीं, फिर तुम 2 मिनट के लिए ज्वाइन कर लेना क्लास में ही अगर ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हैं इसको ऑर्डर। अब ये बेरर चेक हो गया, लेकिन ऑर्डर चेक में क्या किया जाता है, तुम्हारा नाम लिखा, पीछे भी तुम्हारा नाम और अकाउंट नंबर लिख देंगे। नाउ यू कैन, ओनली यू कैन टेक द मनी, ठीक है ना। अब वो बेरर चेक नहीं रहा, मैंने बेरर स्ट्रक कर दिया, तुम्हारा नाम लिख दिया और पीछे में भी तुम्हारा नाम और तुम्हारा साइन हो गया, दैट मीन्स इट बिकम्स ऑर्डर। अब इसको कोई भी जाके नहीं ले सकता, अब सिर्फ इसको जाके खुशी ले सकती है या मैं ले सकती हूँ जिसके नाम से वो इशूड है। और बैंकर क्या करेगा इफ इट इज अ ऑर्डर चेक, बैंक क्या करता है, एक बार आप अपनी तसल्ली के लिए कि मैं वही हूं या नहीं हूं, आपका आधार कार्ड या आपका पैन कार्ड कुछ भी मांग सकता है टू वेरीफाई यू आर द सेम पर्सन और नॉट। समझ में आया? इससे भी ज्यादा शक होगा, हाई वैल्यू चेक है तो वो आपका सिग्नेचर ले लेगा, आपके आधार या पैन कार्ड का क्या करेगा, फोटो कॉपी करा के उस पर आपका सिग्नेचर ले लेगा। मान लो आपने किसी और के एवरेज में ऑर्डर चेक होते हुए भी आप ले गए, तो देर विल बी अप्रूव टू द बैंकर कि हमने इसको दिया और वो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर आया था, इवन आप उसने आपका सिग्नेचर भी कर दिया, तो हमारे लिए हमने सारे जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किए, जो नियम है उसको हमने फॉलो किया, अब बैंकर की लायबिलिटी खत्म हो गई। अगर बैंकर ने आंख बोल करके किसी को दे दिया तो फिर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना ही, बस अभी इतना ही बताया मैंने, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म हो गया कि चेक कैसे स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये कैसे ऑन ऑर्डर या बेरर पेमेंट कर सकता है, और ये अगर ये बेरर है तो कोई भी ले सकता है, ऑर्डर है अगर तो जिसका नाम स्पेसिफाइड है उसको बैंक तसल्ली करके उसको पेमेंट कर देगी। अगर अकाउंट पे ही है, अब मैं बोल रही अगर अकाउंट पे ही है तो ओवर द काउंटर आपको पैसा नहीं मिलेगा, दैट विल ओनली गो इन टू द अकाउंट स्पेसिफाइड इन द चेक, ठीक है ना, जिसमें उसको जाना रहेगा, वो सिर्फ उसी अकाउंट में जा सकता है। क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं आगे, फिर मैं धीरे धीरे बताऊंगी आपको। शुरू में बताया था मैंने कि बिल जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया वो क्यों आया था, बहुत सिंस स्टार्ट किया था हमने, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था बिजनेस पर्पज से और मनी ट्रांजेक्शन को, कैश ट्रांजेक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि हेवी अमाउंट का जब हम कोई डील करते हैं तो इतना ज्यादा कैश कैरी करना मुश्किल होता था। अभी मैं वही बता रही हूँ कि इसी पर्पज से आया, प्रॉमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो या फिर चेक हो, आया आपके इस रिस्क को कि आपका पैसा खो जाता है या कुछ हो जाता है, थेफ्ट हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट शुरू किया कि डॉक्यूमेंट अगर खो भी जाता है तो हम इसको स्टॉप पे कर सकते हैं, हम इसको पेमेंट देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि जब तक पेमेंट डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट नहीं किया जाएगा पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। रोल नंबर 11 इज एबसेंट, राइट डाउन। ठीक है, एंड 2B, ओके, 7B यहाँ तो नहीं है ना, 7, चलो ये तीनों एबसेंट है, बाकी अब हम पढ़ने पे फोकस करते हैं। तो मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई, हाँ, तो ये रिस्क को कम करने के लिए हम डॉक्यूमेंट लेकर के आए, ठीक है। लेकिन अब बेरर चेक की बात करते हैं, बेरर चेक जो होता है क्या वो इस रिस्क को कम कर रहा है? इट इज एज गुड एज योर एज अ लॉस ऑफ योर मनी, राइट। अगर बेरर चेक आपका खो जाता है और आपने स्टॉप पेमेंट नहीं कराया, यानी अगर आपको खबर नहीं है कि आपका
चेक हो गया है ना, जैसे ही आपको कवर हो गया आप बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे, स्टॉप पेमेंट खुद भी कर सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग से, राइट, स्टॉप पेमेंट करने का सुविधा है आपके पास। लेकिन जब तक आपको पता नहीं है और तब तक वो खो गया है मान लो, और आपको नहीं मालूम है तो वो किसी और के हाथ में चला गया और किसी ने पेमेंट ले लिया, तो फिर जैसे आपका पैसा भुला गया, जैसे आपका पैसा चोरी हो गया और वो आप रिकवर नहीं कर सकते, आप भी ये भी चेक का अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। इसीलिए बेरर चेक काफी रिस्की चेक होता है, इसको हाई वैल्यू चेक के केस में इग्नोर करते हैं, लेना या देना नहीं इसको प्रमोट किया जाता है। समझ में आया? ऑर्डर कम से कम ऑर्डर चेक कर दो या फिर अकाउंट पे ही कर दो। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चेक, ओपन चेक है। ओपन चेक का मतलब क्या हुआ? व्हेन अ चेक इज पेएबल एट द काउंटर ऑफ द बैंक ऑन होम इट इज ड्रॉन इट इज कॉल्ड ओपन चेक, यानी आपको सीधा इसका पेमेंट काउंटर पे ही मिल जाएगा। अब ये भी दो तरह का होता है, यही दो तरह का जो मैंने अभी आपको बताया, एक बेयरर और एक ऑर्डर चेक। बेयरर चेक यू नो किसी के भी नाम से कोई भी उसको पैसा को ले सकता है, ठीक है ना। देखो द फर्स्ट अमॉन्ग द टाइप्स ऑफ चेक इज बेयरर चेक, सबसे सिंपल टाइप का चेक यही है, ठीक है ना। जब छोटा मोटा मनी हो और आपको तुरंत जरूरत हो आप यही बोलते हो मुझे बेयरर चेक दे दीजिए, मैं तुरंत इन कैश कर लूंगा। दिस चेक इज पेएबल टू द बेयरर ऑफ द चेक और हुज नेम ऑन द चेक कैरीज इन द कॉलम मीट टू बी ऑन द नेम ऑफ ड्रॉई, यानी कि आप बेयरर को दे सकते हैं या फिर जिसका नाम ड्रॉई का नाम मेंशन है उस लाइन में चेक में उसको आप दे सकते हैं। आइडियली दिस चेक हैज और बेयरर प्रिंटेड रहता है। अब मैं आपको दिखाती हूँ चेक, एक सेकेंड हम लोग चलते हैं। दिखता है पीछे या नहीं? चलो ठीक है, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम नहीं है क्या? क्लास में हूं मैं, म्यूट हो गई थी मैं, ठीक है। इसको बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक ये लोड हो रहा देखती हूँ मैं दिखाने लायक है कि नहीं। नॉर्मली चेक में टू पे नाम और बेयरर लिखा होता है, ठीक है। अगर आपने वो बेयरर कट कर दिया तो क्या हो जाता है? अगर आपने वो स्ट्रक कर दिया तो वो हो जाता है ऑर्डर चेक। अगर वो रहने दिया तो वो बेयरर चेक भी माना जा सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर चेक बनाने के लिए उसको कट करना जरूरी है और पीछे ये कुछ और ही खुल गया, इमेज नहीं खुली।
मैं देख लेती हूँ। किसको? एक मिनट रुको, शायद मिनिमाइज नहीं होगा अभी। खैर छोड़ो, इतना जरूरी नहीं, नहीं हो रहा तो रहने दो। अगेन हम यहीं आ गए, छोड़ो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, ठीक है ना? मैं आपको अलाउ करती हूँ, आप देख लीजिए एक बार, चेक के टाइप देख करके देखिए कि वहां पे बेयरर लिखा है कि नहीं लिखा है। साइट में कैसा चेक होता है, सैंपल ऑफ चेक देख लेना एक बार, अच्छा है। अगर आप देखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे होता है इसका। देखो यहाँ पे लिखा है, छोटा सा यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ छोटा सा बियरर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको दिख रही है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है बियरर। अगर ये बियरर है, ठीक है ना, पे अंकित शर्मा वैलिड फॉर 3 months लिखा है यहाँ पे, यानी कि this check is valid for 3 months only. और bearer धारक को, if you have cut this, then it becomes order check, ठीक है ना? अगर आप ये रहने देते हैं तो फिर अंकित शर्मा, या फिर अंकित शर्मा की जगह पे कोई भी जाएगा, वो बोलेगा कि मैं अंकित शर्मा नहीं हूँ, मैं उनका bearer हूँ, मैं उनके बिहाफ में आया हूँ, तो भी बैंक उसको पे कर देगी, क्योंकि माना जाएगा कि इसको भेजा गया है पैसा लाने के लिए। समझ में आया? लेकिन अगर आप इसको कट कर देते हैं तो वो ऑर्डर चेक हो जाता है। अब अगर अकाउंट पे ही चेक हमको देखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? अकाउंट पे ही चेक के लिए ना, अकाउंट पे चेक पे ये लाइन दिख रही है तुम लोगों को, ये लाइन सारे चेक में, दो पैरेलल लाइन एट द कॉर्नर ऑफ द चेक। अच्छा, अब ये नॉर्मली सुविधा के लिए देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ लिखने के लिए होता है, ठीक है ना? डेट लिखने के लिए होता है, नाम लिखने के लिए होता है, इसको स्ट्रक करने के लिए होता है जो बेयरर लिखा हुआ, यहाँ अमाउंट वर्ड्स में लिखना होता है, यहाँ पे नंबर्स में लिखना होता है, और फिर यहाँ पे ड्रॉअर का सिग्नेचर देते हैं, ठीक है ना? जो ड्रॉ कर रहा है वो अपना साइन करता है यहाँ पे। आप ये पैरेलल लाइंस, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, नॉर्मली हम यहीं पे करते हैं क्योंकि बीच का कोई चीज डिस्टर्ब नहीं हो उससे, लेकिन ये पैरेलल चेक, पैरेलल टू लाइंस चेक के कहीं पे भी हो सकता है, वो अकाउंट पे ही चेक बन जाएगा, यानी वो यहाँ पे भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे भी दो लाइन दे करके बीच में अकाउंट पे ही लिख देते हैं, दैट बिकम्स अकाउंट पे ही चेक। समझ में आया इतना? ठीक है, चलो अब मैंने बाकी सारे चेक का मैंने डायग्राम भी यहाँ पे रखा है अपने नोट्स में, इसीलिए यहाँ से नहीं भी दिखेगा तो हमारा काम चल जाएगा। एक सेकेंड, ओके। अब बेयरर चेक मालूम है कि क्या है? कोई भी जाएगा, एज यूजुअल रिस्की है, इसको आप किसी को भी इंडोर्स कर सकते हैं, किसी को भी पास कर सकते हैं, और ये मेयर डिलीवरी से ट्रांसफरेबल है। इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, दो तरीका था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने का। एक तरीका क्या था? डिलीवरी, यानी जैसे पैसा हम सीधा ट्रांसफर करते हैं और वो आपका हो जाता है, ठीक है ना? हमने शॉपकीपर को दिया, उसका हो गया, तो बेयरर चेक जिसको दिया उसका हो गया। मेयर ट्रांसफर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स द शिफ्ट द ओनरशिप ऑफ द चेक, राइट? लेकिन अदर काइंड ऑफ चेक में सिर्फ आप डिलीवरी नहीं करते, आप इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी करते हैं, यानी कि जिसको आपको देना है उसका नाम लिखते हैं, फिर साइन करते हैं, फिर डिलीवर करते हैं, तो वो डिलीवरेबल होता है। तो बेयरर चेक सिर्फ क्या होता है? ट्रांसफर कर देने से, एक जगह से दूसरी जगह दे देने से ही वो ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना? इट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी, देयर इज नो नीड टू इंडोर्स दिस टाइप ऑफ चेक। क्लियर? अब ऑर्डर चेक पे आते हैं। ऑर्डर चेक क्या है?
इस चेक पे मैंने बताया था बियर को आप कैंसिल कर देते हैं, जिसको देना है उसका नाम लिख देते हैं, एंड इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि अब इसको कोई भी नहीं लेके जा सकता, इसको जिसका नाम मेंशन है उसी को हमको पे करना है, और बैंक इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने से पहले आइडेंटिफिकेशन अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ले सकती है। मैंने ये भी कहा कि हाई वैल्यू चेक के लिए बैंकर्स को ये गाइडलाइंस दिया गया कि आप उनका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ का फोटोकॉपी और उस पर सिग्नेचर करके रख लीजिए, क्योंकि बाद में कोई क्लेम आता है तो यू कैन बी एन सेफ साइड। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस चेक पे आते हैं। क्रॉस चेक पे आपको यहां दिखाने से पहले मैं आपको दिखाई दिया क्रॉसिंग किसको हम बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग आता है, इस पे हम बाद में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग भी पढ़ना है। बट अगर इस तरह का है, देखा चेक पे, अभी क्रॉसिंग किसी इसमें से कुछ भी लिखा हो सकता है, सीधा दो क्रॉस हो उसमें अकाउंट पे ही लिखा हो, सीधा दो क्रॉस हो और कुछ भी नहीं लिखा हो, करेक्ट, सीधा दो क्रॉस हो और कंपनी का नाम लिखा हो या इंडिविजुअल का नाम लिखा हो, ठीक है ना, दो क्रॉस हो, नॉट निगोशिएबल एंड कंपनी, मैं बताऊंगी इन सब का मतलब। बट अगर ये ऐसा होगा, जब हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ेंगे तो हम ये सब बताएंगे कि हर एक क्रॉसिंग का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन क्रॉसिंग है इसका मतलब वो क्रॉस्ड चेक हो गया, राइट। अभी हम लोग क्रॉस चेक ही देख रहे थे, तो क्रॉस चेक दो चेक जिसका ट्रांजेक्शन ओवर द काउंटर नहीं होता है, वो कंपनी के या इंडिविजुअल के अकाउंट में जाता है, अगर अकाउंट नंबर मेंशन है तो उसी अकाउंट, उसी बैंक के उसी अकाउंट में जाएगा, अगर अकाउंट नंबर किसी दूसरे बैंक का, दूसरे ब्रांच का मेंशन है तो वो उस ब्रांच के अकाउंट में या बैंक के अकाउंट में जाएगा। क्लियर? जैसे हमको बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलता है चेक और हमारा पीएनबी में जाता है, एसबीआई में जाता है, ठीक है ना, जो हमने उस पर लिख दिया, यानी उसके साथ जो हम एक चेक के साथ एक स्लिप लगा के देते हैं, अगर कभी बैंक जाओगे तो पता चलेगा, एक स्लिप भरना होता है ना, उस स्लिप पे हम अपना डिटेल भरते हैं, जिसको लेना है वो पैसा, जिसके अकाउंट में क्रेडिट करना है तो उसमें चला जाएगा, राइट। तो ये क्रॉसिंग हुआ, और ये क्रॉसिंग रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है, इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो बोलते हैं बन गया, अब ये, अब अगर ये होता है तो कोई अपने अकाउंट में भी नहीं ले सकता है, ओवर द काउंटर भी नहीं ले सकता, अकाउंट में भी नहीं ले सकता है, क्योंकि जब भी वो अमाउंट जाएगा तो मेंशन अकाउंट नंबर में ही जाएगा, जिस आदमी को वो इश्यू किया गया उसी आदमी का जब नाम और अकाउंट दोनों मैच करेगा तभी बैंकर उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्लियर? ठीक है, अब पोस्ट डेटेड चेक, हम टाइप्स ऑफ चेक पढ़ रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट मतलब बाद में, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, क्या करूं इसका, ओके, अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा देख रही हूं मैं कि शायद आवाज जाने में दिक्कत हो रही होगी, तो आप पूछ लीजिएगा। अभी मैं बोल रही हूँ पोस्ट डेटेड चेक, आपको पहले भी बताया पोस्ट डेटेड चेक कब दिया जाता है, अभी मेरे पास पैसा नहीं लेकिन मुझे अभी काम है पैसे का, तो मैंने क्या किया, तुमको कहा कि तुम मुझे दे दो, मुझे मालूम है कि मेरा पैसा, अच्छा मेरा पैसा आने वाला है, राइट, मेरा पैसा 15 दिन में 20 दिन बाद 1 महीना बाद आने वाला है, उसमें मैं सारा हिसाब किताब कर दूंगा, तो मैंने क्या कहा, तुमसे 1,50,000 का सामान ले लिया, और तुमको फिर भी मुझ पर विश्वास तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, पैसे के लेन देन के मामले में विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ठीक है हम दे देते हैं, तुम 25-25,000 का या 50-50,000 का जो तुमको कंफर्टेबल है हमको 2 या 3 चेक इश्यू कर दो, ताकि हम उसको पोस्ट डेटेड, ठीक है तुम आज के डेट का मत दो, तुमको 1 महीने बाद पैसा आने वाला है ना, तुम हमको 3 महीने बाद का दे दो, 2 महीने बाद का दे दो, 1 महीने बाद का दे दो, जब तुमको कन्वीनियंट हो तब के डेट का हमको अभी आज के डेट में इश्यू कर दो। मैंने बोला था कि आपको मैं आज एज ए गारंटी एज ए इंश्योरेंस वो चेक देती हूँ, पर आप विड्रॉ कब कर पाएंगे, जब उस पे डेट लिखा है उस डेट को या उस डेट के 3 महीना के अंदर, क्लियर, तभी आप विड्रॉ कर पाएंगे। अब इससे होगा क्या कि जो आपको डर है पैसा नहीं दिया तो वो आपका खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपके पास पोस्ट डेटेड चेक है, उनके अकाउंट में कभी ना कभी तो पैसा आएगा, आप विड्रॉ कर लेंगे, राइट, और दूसरा उसका काम रुका नहीं, तो पोस्ट डेटेड चेक अपने काम को करने के लिए, और अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप आगे का डेट उसपे मेंशन करके दे सकते हो, राइट, 3 महीने तक वो वैलिड होता है आप उसमें, लेकिन बैंक के लिए, बैंक क्या समझेगी, बैंक के लिए वो चेक ये माना जाएगा कि जो डेट वो बेयर कर रहा है इंस्ट्रूमेंट उसी दिन ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना, तो पोस्ट डेटेड चेक अपने ट्रांजेक्शन को कन्वीनियंट बनाने के लिए किया जाता है। फॉर बैंकर इट विल बी सपोज दैट इट इज इशूड ऑन द सेम डेट व्हाट इज कैरीड, व्हाट कैरीज द इंस्ट्रूमेंट, राइट,
क्लियर हो गया पोस्ट डेटेड चेक. अब स्टेल चेक, स्टेल मतलब क्या होता है, नॉर्मली स्टेल फूड बोलते हैं हम लोग. नॉर्मली स्टेल फूड बोलते हैं ना. स्टेल का क्या मतलब होता है, नॉर्मल अपने हम लोगों के नॉलेज में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ दो हम लोग, जिसका वैलिडिटी एक्सपायर हो गया. स्टेल का मतलब होता है, नॉर्मली हम बोलते हैं कि स्टेल फूड मतलब बासी खाना, ठीक है ना, जो ताजा नहीं है, जो फ्रेश नहीं है. चेक के केस में जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, जो पुराना हो गया और आप जिसको अब इन कैश नहीं करा सकते हैं, दो चेक बिकम बासी चेक, स्टेल चेक, ठीक है ना. अब आप इस पे कुछ नहीं करा सकते. अगर आपको पेमेंट लेना तो जाइए और ड्रॉअर से फ्रेश चेक इशू करवा के लाइए, फिर आपको बैंक उसका पेमेंट करेगी, ठीक है. तो जिसका 3 महीना खत्म हो गया रहता है वो चेक स्टेल चेक हो जाता है, ठीक है. ट्रेवलर चेक नाउ नो मोर इन यूज, ठीक है ना. पर जिस समय में हम लोग, अब तुम्हें लगेगा कि मैम किस जमाने की बात करिए, जिस समय मैं बैंक में काम करती थी उस समय ट्रैवलर चेक लोग बनाने आते थे. ट्रैवलर चेक नॉर्मली कौन बनाने आते हैं, जो फॉरेन ट्रिप पर अधिक जाया करते हैं, तो कैश नहीं लेके जा सकता और वहां पैसे भी ये नहीं चलेगा, डॉलर चलेगा, रियाल चलेगा, जहां भी जा रहे हैं जेन चलेगा, येन चलेगा, वहां का चलेगा. तो वो कुछ तो वो फॉरेन एक्सचेंज में जाकर के ले लेते हैं अपना जितना खर्चा के लिए चाहिए उनको, और कुछ मान लो लंबे समय के लिए रुक रहे हैं तो उनको समय समय पे चाहिए होगा तो वो क्या करते हैं, ट्रैवलर चेक बैंक से ले लेते हैं. उनका अकाउंट है हमारे बैंक में, ठीक है. वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे तो मेरे अकाउंट में 8-10 लाख रुपया है, तुम 2 लाख का ट्रैवलर चेक इशू कर दो, 5 लाख का ट्रैवलर चेक बना दो. अब हमने 5 लाख का ट्रैवलर चेक दिया. ट्रैवलर चेक इज वन एंड सेम थिंग. आप गए हैं कभी पीएनएम मॉल, गए ही होंगे, ठीक है, नहीं गए तो चले जाइए. थोड़ा बहुत घूमना फिरना और दुनियादारी देखना भी जरूरी है, राइट. तो आप पीएनएम मॉल गए होंगे, अभी नहीं, कोरोना से पहले की बात कर रहे हैं, या फिर जब नॉर्मल होगा तब आप क्या करेंगे, जाएंगे. वहां पे फूड कोर्ट है, राइट. फूड कोर्ट में कैसे लेते हैं, काउंटर टू काउंटर पेमेंट करके लेते हैं खाना, ऐसे लेते हैं क्या, ऐसे है क्या यहाँ पे फूड कोर्ट पे. नॉर्मली क्या होता है फूड कोर्ट में, मुझे अब याद नहीं फिर, कि लोग एक जगह पैसा दे देता है, ठीक है, 500 का, 1000 का, जितना आपका खर्चा का है, आपको थोड़ा सा बजट, आप उस उतना का पैसा दे दीजिए. आपको वो कूपन देता है और हर कूपन पे आपको जो जो लेना है, ऐसा नहीं है क्या, अच्छा बाहर है, ठीक है. तो फिर फूड कोर्ट मत जाओ, फिर वहां पे एक मनोरंजन के लिए कुछ है, एंटरटेनमेंट जैसा बच्चों के लिए बना वहां, लेकिन यही है, कार्ड बना देता है ना, वो कार्ड और ये ट्रैवलर चेक सेम ही चीज है. जितना देर आपको रहना है, जितना झूला पे जाना है, जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है, आप जाइए, पैसा दीजिए, बच गया तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो आपको उनको कार्ड वापस कर दीजिए और जो आपका रिफंड अमाउंट बचता है वो वापस ले लीजिए, राइट, या फिर आपको कार्ड लेके चले जाइए. फिर अगर आपको आना है, आपको मालूम है कि आप महीने दिन बाद आते रहते हैं, रेगुलर आते रहते, तो आप क्या करिएगा, अगेन आपको भराने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पैसा है, आप उसको यूज कर लीजिए. ट्रैवलर चेक सेम है, आप वो कार्ड लेकर के फॉरेन घूमने जाते हैं, जो खर्चा हो वो आपका खर्चा हो गया चेक के थ्रू, और जो पैसा बचा वो वापस आप आकर के बैंक को, अगर आप रेगुलर जाना है तो देना ही क्यों, आप फिर जाएंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने पे काम पड़ा है, ठीक है. तो अगर आपको फिर जाना, आप फ्रिक्वेंटली जा रहे हैं, आप जाना आना आपका लगा रहता है, तो आपको ये काम ही आने वाला है, फिर तो आप जाइए दीजिए नहीं. अगर आपको वन टाइम कभी जाते हैं और फिर अभी पता नहीं कब जाना होगा, नहीं जाना होगा, तो अगेन आप जब वापस आते हैं तो बचा हुआ अमाउंट आप दे सकते हैं बैंक को, उस चेक का जो बचा हुआ अमाउंट है वो उसको आपको बैंक अकाउंट में डाल देगी और चेक को कैंसिल कर देगी. समझ में आया. लेकिन अब ये यूज नहीं होता, मैंने ये बोला इसलिए नहीं यूज होता क्योंकि तरह तरह की चीजें आ गई, क्रेडिट कार्ड है आपके पास, एटीएम तो खैर उस समय भी था, क्रेडिट कार्ड भी था, मोर ओवर आपके हाथ में बैंक आ गया है, आपको जहां जो ट्रांजेक्शन करना है आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, तो इसकी जरूरत अब ज्यादा होती नहीं, आउट फैशन हो गया है, ठीक है ना. इट कम्स विथ नो एक्सपायरी डेट, इसका एक्सपायरी डेट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें कहा, क्योंकि आप जब वो, अगर वो कार्ड एक्सपायरेबल होगा तो आपको क्या करना, तुरंत पैसा आप ले लीजिएगा, लेकिन कहा ना जब अगली बार जाना है तो आप यूज कर सकते हैं, यानी नो एक्सपायरी डेट, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वैलिड है. This traveler check also comes with no expiry date. अगर आप जाते आते रहते हैं तो रखे रहिए, आपको ये काम हो जाएगा. Clear? मैंने कहा अब ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि हमारे पास बहुत कन्वीनियंट बैंकिंग ऑप्शंस आ गए हैं, तो जरूरत नहीं है ये बना के लेके जाने की. लेकिन जिस समय हम लोग थे, मतलब आज से 2008 कितना टाइम,
उतने टाइम में 8, 10, 12 तक ये सब यूज होता था। समझ में आया? धीरे धीरे जितना हम लोग एक्ट होते गए, जितना हम लोग इसको यूज करने लगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन, वैसे वैसे ये सारी चीजें आउट फैशन होती जाएगी। सेल्फ चेक, सेल्फ चेक क्या है? मैंने कहा प्रॉमिसरी नोट, खुद को प्रॉमिस नहीं दे सकते कि आई विल पे यू, लेकिन सेल्फ चेक हम इशू कर सकते हैं। सेल्फ चेक क्यों इशू कर सकते हैं? किस कंडीशन में सेल्फ चेक इशू करने की जरूरत पड़ सकती है? मान लो मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है ना, और कभी कभी तो मैं आपको ये बताती हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, चोरी हो गया, ये तो हो सकता है ना, पर्स पिक पॉकेटिंग, राइट, हो गया। अब पैसे तो है, जरूरत तो रहेगा पैसे का, आप चेकबुक नॉर्मली कौन लेकर के घर से जाता है? ये ऐसे चेकबुक पे भी हो सकता है, पर मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे रही हूँ। आपके पास मान लो चेकबुक भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक आपको एक उस टाइम तक लिमिट, देखो ये बढ़ते घटते रहता है, इसीलिए अब लिमिट कितना है राइट नाउ आई डोंट नो, पर उस टाइम में 5000 का लिमिट था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास चेक नहीं है, लेकिन आपका अकाउंट है हमारे बैंक में, तो बैंक आपको एक, जैसे हम लोग भरते हैं ना चेक के साथ, जो उसी तरह का एक स्लिप देती है अकाउंट होल्डर को और बोलते हैं कि आप पूरा डिटेल भर दीजिए और 5000 तक का अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो देखो कहीं किसी बाहर के शहर में हो, तुम किसी से पैसा ले नहीं सकते, आपका एटीएम कार्ड, आपका पैसा सब खो गया है, तो आपके लिए जस्ट हेल्प कि आप क्या कर सकते हैं, आपके पास चेकबुक भी नहीं है तो आप इस चेक पे नाम वाम सब कुछ लिख करके 5000 तक का पैसा, क्योंकि वो आप ही का पैसा है, सिंस आपके पास सारा सुविधा नहीं है तो अब आपको दिक्कत हो रही है, आप 5000 तक का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो अपने नाम से, निकाल सकते हो। क्लियर? सेल्फ लिखा जाता है उसके ऊपर, अपना नाम नहीं लिखा जाता उस चेक पे, SCLF सेल्फ लिखा जाता है। ये तो मैंने कहा जब आपके पास चेकबुक भी नहीं है तो बैंक आपको देगा वो, ठीक है, वो स्लिप जिसको भर के आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो कभी कभी हम जाएंगे अपना चेकबुक लेकर के, सेल्फ लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, पीछे भी साइन करेंगे और अपना ही नाम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इस चेक को? नहीं समझ में आया इस चेक को भी कैर मैं बताती हूँ। सपोज करो सचिन तुम्हें पैसे की जरूरत है, ठीक है, पैसे की जरूरत है और तुम्हारे पास एटीएम नहीं है अभी, राइट, लेकिन आपके पास चेकबुक है, तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी सचिन? आवाज आ रही है मैम? ब्रेक करके, हाँ वो अनस्टेबल है, द नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपके पास एटीएम नहीं है, मुझे लगता है फिर से ये हो गया है, हाँ, अगर आपके पास एटीएम नहीं है और आपके पास चेक है और आपके अकाउंट में पैसा है तो आपको पैसे की भी तो जरूरत हो सकती है ना, हो सकता है ना कि आपको जरूरत हो, जो सचिन आज थोड़ा वो नेट का इशू है और मैं जब भी शुरू करती हूँ समझाना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए रहने दो, मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, ठीक है, या फिर क्लास आना शुरू कर दो, बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं। ओके, कुछ इशू है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। ओके, तो मैं अभी बता रही थी कि बैंकर्स चेक किसको बोलते हैं? डीडी को बोलते हैं। डिमांड ड्राफ्ट सुना तो होगा, ठीक है ना, तो डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपका किसी भी बैंक अकाउंट, देखो नॉर्मली बैंक बोलते हैं कि हम उसी को, उसी कस्टमर का डीडी बनाएंगे जिनका अकाउंट हमारे पास है, लेकिन ये रूल नहीं है, वो जबरदस्ती का भीड़ नहीं जाते, 50 रुपए मिलता है उनको एक डीडी के ऊपर, तो क्यों चाहेंगे 50-50 रुपए का भर दिन काम करो, मोटर ट्रांजेक्शन चाहिए। अब बैंक में आप देखते होंगे नॉर्मली कस्टमर जो पेमेंट और रिसीट लाइन में लगाओ तो उसको डिस्करेज किया जाता है, यार तुम जाओ ना एटीएम से निकाल लो ना, अपना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर खुद से कर लो ना, क्योंकि बैंक का मेन पर्पस क्या है, बिजनेस पर्पस है उसको। हाँ, अगर आप जाते हैं और एक अकाउंट खुलवाते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड लेते हैं या उनका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके SIP में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड लेते हैं, उनका कोई भी, उनका आप
कौन सा ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रेडिंग वाला यूज करते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, ऐसा कुछ करेगा तो वो बहुत वेलकम करेंगे, आइए 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 हमारे पास ये है ये है, क्योंकि इससे उनका बिजनेस बढ़ता है। आपको पैसा देने से और आपका पैसा लेने से उनका कोई बिजनेस नहीं बढ़ता है, राइट। वो तो आप ऑलरेडी आपका अकाउंट है उसमें तो जो इंटरेस्ट देना होगा वो देंगे ही और आपसे जो लेना होगा वो लेंगे ही, ठीक है। तो डीडी नॉर्मली वो डिस्करेज करते हैं, लेकिन रूल नहीं है। रूल ये है कि आपके पास पैसा है, आप किसी भी बैंक में जाओ, पैसा दो और बोलो कि मुझे इस अमाउंट का किसी यूनिवर्सिटी के नाम से, किसी भी कंपनी के नाम से, किसी भी जिसको आप देना चाहते हो वो पैसा, और वो पैसा डायरेक्ट कैश नहीं एक्सेप्ट करता है। हम कभी कभी फॉर्म भरते हैं, जैसे कि आप लोग भरोगे कुछ भी, कोई भी फॉर्म भरोगे तो वहां लिखा होगा कि यू मेक द डीडी इन फेवर ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BHU। मैम आप म्यूट है। ठीक है, तो बैंकर से क्या है कि अगर अगर उसकी वैलिडिटी खत्म होगी तो आप उसको रीवैलिडेट करवा सकते हैं, ठीक है ना, डेट अलग गेंद से चेंज करवा करके रीवैलिडेट करवा सकते हैं। ये उस सिटी में कहीं पे भी पेएबल हो सकता है जहां के लिए वो पेएबल बनाया गया है, राइट। बैंकर्स चेक इज डिमांड ड्राफ्ट, आपके डिमांड पे वो ड्राफ्ट बनाया जाता है, जो भी आपको पैसा किसी को देना है उसको आप दे सकते हैं, क्लियर। ये शेयर भी नहीं होगा, फिर स्क्रीन भी शेयर नहीं होगा, हाँ वो बार बार डिस्कनेक्ट होने से ऐसे हो रहा है, ठीक है। और अब लास्ट बचा म्यूटिलेटेड चेक। म्यूटिलेटेड चेक मतलब क्या हो गया, आपका चेक पुराना हो चुका है, साइड बाइड से घिस गया है, फट गया है, किसी ने उसको रब करने की कोशिश की और दूसरा अमाउंट लिखने की कोशिश की, तो जो फटा पुराना ऐसा चेक हो जाए, तो पुराना पुराना लग रहा हो कि इसके साथ किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की है, या डेट साफ साफ नहीं दिख रहा, या अमाउंट साफ साफ नहीं दिख रहा, कोई किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं है, MICR नंबर जो होता है वो विजिबल नहीं है, सिग्नेचर विजिबल नहीं है, या फिर आपको लगे ना कि इस पे कुछ डुप्लीकेशन करने की कोशिश की गई थी, तो उस सब तरह के चेक को म्यूटिलेटेड चेक बोलते हैं और बैंक उसको एक्सेप्ट नहीं करता। यानी अगर आप बैंक के सामने में भी डेट भर रहे हो और गलती से आपने 9 तारीख के जगह पे 8 तारीख लिख दिया और अब आपको उसको 9 करना है, तो यू कैन नॉट डू दिस। व्हाई? क्योंकि आपको रीराइटिंग करना पड़ेगा एंड रीराइटिंग इज नॉट, ठीक है ना, चेक पे रीराइटिंग अलाउ नहीं, और नहीं भी होना चाहिए क्योंकि इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। अगर अलाउ होगा तो कस्टमर बोलेगा कि ये तो अलाउड है, करिए करिए, एंड उससे क्या होता है कभी कभी अमाउंट आदमी ना भरने में गलती कर देता है, एंड बैंकर्स जल्दीबाजी में क्या करते हैं, फाइनल अमाउंट देखते हैं, पे कर देते हैं या ले लेते हैं, बीच में जो गड़बड़ी होती है उस पर ध्यान नहीं जाता है। जो लिखना होता है ना, दो सौ का कितना नोट, 500 का कितना नोट, जब बैंक का जाओगे काम करने तो पता चलेगा, उस डिटेल लिखने में आपने गलती कर दी, ठीक है ना। अमाउंट सही, नोट सही लिखा है, पांच ही नोट है 500 का, तो 500 का पांच नोट इक्वल टू 2500, ठीक है ना, लेकिन आपने फाइनल अमाउंट पे 3000 लिख दिया, तो उसने 5 नोट गिना है सही रख दिया, इसको उसने ये नहीं देखा कि 3000 भी सामने लिखा है जो गलत है। अब इतना तो हो सकता है क्योंकि बहुत लंबा लंबा क्यों रहता है, वो सिर्फ नोट मिलाएगा और रख लेगा, हो सकता है वो जो तुम्हारा टोटल है वो नहीं, और तुमने टोटलिंग करते समय टोटल का किया है टोटल, ठीक है ना, तो इसमें 500, 1000, 2000, 5000 का ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। अगर आप रीराइटिंग करके लिखोगे तो और कंफ्यूज हो जाएगा, एक बार को साफ साफ रहेगा तो वो चेक भी कर लेंगे, रीरिटन रहेगा तो और कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है नोट तो मिल रहा है रख लो, आपको पे कर देगा वो फाइनल अमाउंट, हो सकता है फाइनल अमाउंट ज्यादा था या कम था और जो एक्चुअल अमाउंट था वो कुछ अलग था, तो इसमें जो नुकसान है वो किसका है, बैंक का है, ठीक है ना। इसीलिए नॉर्मली अब रीराइटिंग या किसी भी तरह का छेड़खानी किया हुआ चेक एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता है, ठीक है, उसको म्यूटिलेटेड चेक कहते हैं। टाइप्स ऑफ चेक हमने आज खत्म कर लिया, अगर आज नहीं समझ में आया हो तो पढ़ के देखना, सचिन और जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है सब लोग नेक्स्ट क्लास में आप पूछ सकते हैं कि ये टाइप नहीं समझ में आया, आई होप उस दिन इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी मैंने आपको दिखाया कि क्या क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग पढ़ेंगे, अटेंडेंस बना लेते हैं।